ये हम हेवट के रिसोर्ट से निकल के शिमला माल रोड की तरफ जा रहे हैं। वहाँ हमने होटल बुक किया है और रास्ते में ये सज्जन हमें मिल गए, उन्होंने लिफ्ट मांगी। पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करने के समय अगर कोई मेरे से लिफ्ट मांगता तो मैं उसको दे देता हूँ, इससे वहाँ लोकल एरिया का काफ़ी अच्छा नॉलेज भी मिल जाता है। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है क्या बोलते हैं, कमिहाना। कमिहाना तो ये शिमला के अंदर ही आता है? हाँ जी सर। अच्छा, मैंने बस तो आ रही। बस आती है? हाँ। दिखाई नहीं दी मैं रास्ते में, कल भी हम गए थे यहाँ से। अभी होटल में क्या? हाँ, लास्ट में है ना वो रिसोर्ट है जो। अच्छा अच्छा अच्छा, हेवलॉक करके कुछ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो जियालाल है। जियालाल, अच्छा। नहीं नहीं, बसें तो आती है ना, आज संडे है ना थोड़ा। कल हम आए थे इस रूट पे, इधर को गए थे ना, तब भी कोई बस नहीं देखी थी हमने। अच्छा, वो अच्छा नाइट में हुआ रहे हैं आप? नहीं नहीं, हम दिन में। अच्छा अच्छा, आज आए वहाँ से। और कल दिन में उधर गए थे। अच्छा, आज वापिस आ रहे हैं। अच्छा, नाइट पर नीचे में है, उतनी ठंडी नहीं है जितना शिमला में या कुफरी में है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले हम कुफरी में थे ना दो तीन दिन। अच्छा अच्छा, वहाँ काफ़ी ठंडा था। हाँ, वो तो ठंडी जगह है। हाँ, और इस एरिया में कोई घूमने की टूरिस्ट के लिए कोई फेमस जगह? वो तो फिर आगे नालदेहरा गए थे? नहीं गए नहीं। क्या है वो नालदेहरा? नालदेहरा में क्या है? नालदेहरा में गोल्फ का है। गोल्फ? हाँ गोल्फ। अच्छा, वो तो अच्छी जगह है। हाँ, गोल्फ तो क्या है ना, हम लोग तो शहर से, वहाँ गोल्फ ही गोल्फ, गोल्फ में इतना। और यहाँ का कोई लोकल ऐसी फेमस जगह हो ना? बहुत अच्छी जगह है नालदेहरा। अच्छा, देवदार का प्लेन अंदर ऊपर को। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत टॉप की जगह है। अच्छा, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का। चलो ठीक है, देखते हैं नालदेहरा, अगर टाइम मिलेगा तो नालदेहरा भी जाएंगे। बहुत अच्छी जगह है। आपने पढ़ा नहीं उसमें कहीं? उसमें नहीं नहीं, ये नहीं कोई बोला था, तुम ही देख लो, हम तो बुजुर्ग आदमी ना, हम कहाँ इतना ध्यान देते हैं। तो ऑकलैंड जो है ना, ये आप ऑकलैंड जा रहे हो, ये ऑकलैंड तो इंग्लिश नेम है, कैसे ऑकलैंड नाम पड़ गया इसका? इसका सर इसलिए ऑकलैंड नेम पड़ा है कि ये क्या बोलते हैं, उस टाइम अंग्रेजों का था ये। अच्छा अच्छा अच्छा, स्कूल है ये? स्कूल है ये? अच्छा अच्छा, स्कूल है ये। आप भी पढ़ाते हो क्या? नहीं नहीं, हम तो और डिपार्टमेंट में काम करते। किसमें? मैं तो हाउसिंग बोर्ड में। अच्छा अच्छा। हाँ, करप्शन कैसा है यहाँ पे हिमाचल में? जी, करप्शन का क्या हाल है हिमाचल? करप्शन तो सारे में है सर। अच्छा, वो तो आपको पता ही है। हाँ, करप्शन कहानी है। हाँ नहीं, पर कोई कोई स्टेट में बहुत ज्यादा है, कोई कोई में बहुत कम है। आपका तो यूपी है ना? हाँ, तो वहाँ तो योगी ने सब पिट करके रखा है, उसने ऐसा पिट करके रखा है। अच्छा, अब इन भाई साहब का उतरने का टाइम हो गया है और रास्ता हमारा बहुत अच्छे ढंग से कटा, बहुत अच्छी बातें हुई, यहाँ लोकल एरिया के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने बताया और हमारा यात्रा भी अच्छी कट गई। थोड़ा सा क्या कि गाड़ी बहुत हिलती थी क्योंकि रोड पूरी ख़राब थी यहाँ पे बरसात का मौसम है, और बहुत मज़ा आ रहा था इनसे बात करने में, लेकिन पता ही नहीं चला हम शिमला के पास ही पहुँच गया हम बिल्कुल ना, जहाँ माल रोड के पास। माल रोड की पार्किंग ढूंढ रहे हैं, ये कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं इनको कि कहाँ पे लिफ्ट माल रोड के लिए। ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके मैं ऊपर जा रहा हूँ, अभी सभी बच्चों को सामान को वहाँ पर छोड़ के आया था, फिर यहाँ वापस पार्किंग में आ गया और यहाँ से बहुत ही पास में 2 मिनट लगेंगे। ये पीछे पार्किंग है, ये हाई कोर्ट की पार्किंग है, प्राइवेट गाड़ियों को अलाउ नहीं है। हमने सामने वो ऊपर 3 BHK का अपार्टमेंट लिया है, 4500 एक दिन का है। सो ये माल रोड पे जाने के लिए सीढ़ी वाला रास्ता है और एक ऐसे ही रोड है जो सामने में वहाँ से इधर को जा रहा है। सामान और बच्चों को गाड़ी से मैंने यहाँ उतार था, फिर यहाँ से पार्किंग में लेके गया था, तो ये पहुँच गया हम माल रोड पे। ये बेंच बैठने के लिए है, अवध पैलेस करके है जो लिखा ना, ये इसमें हम रुके हैं, ये ऊपर है इसमें रुके हैं।
देखो पहाड़ी कुत्ता बैठा है। लंच का टाइम हो गया तो पास में ही ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ जा रहे हैं लंच करने के लिए, यहाँ बैठ के खाएंगे अभी हम लंच।